जानते हैं कि हमने जो अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन लड़े हाल ही में, जो ये इलेक्शंस थे ये बहुत ही सिक्योरिटी थ्रेट में हमने लड़े। जैसा कि आप सब जानते थे कि इन मौजूदा हालातों में इलेक्शन लड़ना कोई मामूली बात तो नहीं थी। हमसे ये वादे किए गए थे कि आप लोगों को एम्पावर किया जाएगा, आप लोग क्योंकि जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको आगे ले जाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये सब कुछ जितने भी वादे इन्होंने किए थे हमारे साथ, वो सारे शराब साबित हुए। जो हमारे काउंसलर्स हैं उनको अपने वार्ड्स में जाना है, या उनको बाकी जो लोगों के जो मसले मसाइल हैं या उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेस करने के लिए अपने वार्ड्स में जाना है। मुझे वोट पड़े, मुझे हज़ार वोट पड़े, मैं उन हज़ार लोगों को क्या जवाब दूंगा? वो रोज़ रोज़ घर आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट हमें बस नाम के लिए उठा रहे हैं, इन इलेक्शनों में नाम के लिए हिस्सा लेने में मजबूर कर रहे हैं। जब हमें कुछ मिला ही नहीं तो हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे? हमारे ये जो काउंसलर साहिबान हैं जो यूएलबी पोल्स जीत कर आए हैं, या हमारे पंच सरपंच साहिबान हैं, वो भी रिसेंट जो सिलसिला चलता आ रहा है, तो यूएलबी इंतखाबात की नोटिफिकेशन से पहले ही रियासती सरकार ने हमारे वर्दी जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने कुछ वादे और दावे किए थे कि जो काउंसलर साहिबान हैं उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, उनकी सेफ्टी का हम जिम्मा लेते हैं, ठीक है, उनको सिक्योरिटी अलॉट की जाएगी या उनको एक रेजिडेंशियल सिक्योरिटी भी अलॉट की जाएगी। एकोमोडेशन है, अभी तो कुछ लोग हैं अभी होटल में बैठे हैं, लेकिन कब तक वो अपने होटल में रहेंगे? एक कमरा मिला है होटल का, उनकी अपनी फैमिलीज है। पिछले तीन महीने से हम अपनी फैमिली से अभी कट ऑफ हुए हैं, अपनी हमारी सोशल लाइफ से कट ऑफ हुए हैं। तो आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि अगर ये हालात नहीं थे इलेक्शन करने के लिए तो फिर इलेक्शन नहीं करना था। अब हम आ गए हैं, हमने डेमोक्रेसी का जो एक ये झंडा था हमने अपने कंधे पे लिया है, तो आप ये हुकूमत को ज़रूरी चाहिए कि वो हमारे इन चीज़ों को रिड्रेस करने की कोशिश करें, ताकि जो भी एक नई एक सोच लेके आए हैं, जो आज से तेरह साल पहले इन्होंने ये किया था ये यूएलबी का इलेक्शन, लेकिन आज 13 साल के बाद जब हम फिर इलेक्टेड होके आए हैं, ताकि लोगों को वो लगे कि नहीं ये एक रिक्वायरमेंट थी जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर एजेंसीज जो इसमें चाहते थे कि जेएंडके में यूएलबी के इलेक्शन हो, ताकि हम ये दिखा सके कि नहीं इनकी अहमियत कितनी ज़रूरी है। मैं ओवरऑल वैली की बात करूँगा, पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा ताउन दिया हमें, पुलिस की तरफ से जो है काफ़ी ज़्यादा ताउन मिला है, काफ़ी ज़्यादा हमें कोऑपरेशन मिली है। अभी तक जो भी जहाँ पे भी है वो पुलिस की ही तरफ से जो है ताउन मिल रहा है, या कहीं ना कहीं हम कहें थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिल रहा है, लेकिन रियासती सरकार की अगर हम बात करें, जो वादे हमसे किए गए थे वो वादे अभी उन वादों पर खरे नहीं उतरे हैं। हमारी सोच बिल्कुल सही थी, जो कुछ भी हमने सोचा है वो बिल्कुल पॉजिटिव था और बिल्कुल अच्छा था, लेकिन अगर यही हालात रहे तो मुझे नहीं लगता है कि ये हम आगे जो हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से जो भी लोगों की सोच है वो यही होगी कि नहीं जैसे वो इलेक्शन होते थे वैसे ये भी हुआ है, वो भी नाम के लिए होता है, ये भी नाम के लिए हुआ है। गवर्नर साहब इनको क्या ऐसे ही प्रॉमिस करता है, कुछ देता ही नहीं है, फजूल में ये हमें इलेक्शन में उठाया। अगर ऐसी हालात रहे तो हम रिज़ाइन देने के लिए तैयार है, हम रिज़ाइन कभी भी दे सकते हैं अगर ऐसे हालात रहे।